ये यात्रा मई मास में हुई थी और मई मास कितना तपता हुआ है, जून से ज्यादा मई तपता है, क्योंकि जून में बादल आ जाते हैं, जून में थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है। पैदल चलने का अभ्यास नहीं था, नंगे पैर चल रहे थे, फफोले पड़ गए। गोस्वामी जी लिखते, जल का जल कत पायन के से, जल का जल कत पायन के से, पंकज कोश कोश कर्ण जैसे, पंकज कोश कोश कर्ण बड़े 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 फफोले हो गए, जैसे मोती मोती चमक रहे हो। ऐसे किसी ने माँ कौशल्या को कहा, माँ आज भरत पैदल, भरत पैदल, और माँ आई है भरत जी के टेंट में, कुटिया में जो व्यवस्था की थी लोगों ने, टिक नहीं की, वहां कुछ नहीं किया, चेहरा नहीं देखा, सीधे पैर देखे, पैरे मुझे पैर दिखा अपने तन में, जल का झलकत पायन कैसे, पंकज कोश जैसे ओश की बूंदे और पत्तों पर दिखाई देती है मोती जैसे, ऐसे श्री भरत जी के तलवों पर मोती जैसे फपोले। माँ रो पड़ी, भरत तू बेटा चित्रकूट पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, अपनी साड़ी से ऐसे ऐसे धीरे धीरे धूल झाड़ती है, मुख से फूंक मार मार कर शीतलता प्रदान करती है। बहुत रोई माँ, बहुत। आज संगम के किनारे भरत, देखो प्रेम में भार नहीं लगता, प्रेम में दुख नहीं होता। जैसे जिस दिन व्रत करना होता है तो वो जानबूझकर किया जाता है कि आज एकादशी है, आज नहीं खाएंगे, आज ये है, आज नहीं खाएंगे, उस दिन भूख ज्यादा लगती है, और व्रत वाले दिन आदमी और दिनों से ज्यादा खा लेता है। इधर से निकलेगा केला खा लेगा, उधर से निकलेगा अमरूद खा लेगा, इधर से निकलेगा चिप्स चबा लेगा, इधर से निकल अगर जरा से थोड़े से मखाने से खिलाओ, मखाने का दिन भर बहुत खाता। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत आनंद में और बहुत दुख में आदमी को भूख नहीं लगती। किसी मरीज को आप दिखाने ले जाइए जो भीषण भीषण रोग से पीड़ित है मरीज, तो जो तीमारदार है उसको भूख नहीं लगती है। और जिस घर में शादी विवाह होता है सब लोग दावतें खाते हैं, लेकिन घर वालों को भूख ही नहीं लगती जब तक बारात विदा नहीं होती, वो आनंद से भर जाया करते। तो श्री भरत जी इतने आनंद में हैं कि फफोलों का दुख मालूम ही नहीं पड़ा। प्रेम में भार नहीं होता, प्रेम में वजन नहीं होता, प्रेम में ढोना नहीं पड़ता, व्यवहार में ढोना पड़ता है, व्यवहार निभाना पड़ता है, और जो निभाया जाता है वो बहुत थका देता है, वो बहुत थका देता, बहुत भारी होता है। क्या करें, निभाने पड़ रहे हैं, हमारा तो कोई लेना देना नहीं था लेकिन निभाना पड़ रहा है, बाबूजी कह गए थे इसलिए निभा रहे, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिससे प्रेम होता है उसमें भार नहीं होता। स्वामी राम तीर्थ ने प्रेम में भार नहीं होता इस पर अपने जीवन की घटना लिखी। उन्होंने लिखा है कि मैं एक बार अल्मोड़ा के गाँव से ऊपर पहाड़ी पर आ रहा था। पहाड़ पर दो प्रकार के गाँव होते, एक पहाड़ की चोटी पर होते और एक पहाड़ के नीचे नदियों के किनारे होते। तो बोले मैं नदी के किनारे के गांव में गया था, वहाँ से ऊपर चढ़ रहा था, तो ऊपर चढ़ाई बहुत भारी होती है पहाड़ पर, पगडंडियाँ होती है। तो उन्होंने लिखा है अपनी कलम से अपनी जीवनी में कि मेरे आगे आगे 12-13 साल की लड़की और एक बच्चे को इस पर पीठ पर लाद के, पहाड़ के जो यात्री होते वजन सिर पर नहीं रखते, पीठ पर लादते, तो ये आ रही थी ऊपर चढ़ रही थी, तो मैं देख रहा था उसके पीछे पीछे मैं था। तो उस लड़की को बेचारी को बिटिया को थोड़ी मुश्किल पड़ रही थी, जो लड़का थोड़ा ज़्यादा भारी था, गोल मटोर था थोड़ा, अच्छा उसका जो बालक था। तो मैंने कहा, मैं जवान था उस समय, तो मैंने कहा बेटिया ये बालक में वजन बहुत है, ला मेरी पीठ पर बिठा दे, मैं इसे ऊपर सड़क तक पहुँचा दूंगा, तू धीरे धीरे आ जा। तो
राम तीर्थ कहते हैं कि उस लड़की ने मेरी ओर आंख फाड़ कर देखा, बाबा क्या बोल रहे हो, ये भजन नहीं है। बोले तो? बोले मेरा छोटा भैया है। और बहन को कभी भाई का भजन नहीं, भजन नहीं लगा करता है, बहन के लिए तो भाई तो हल्का होता है, फूल जैसा होता है। तो जहां प्रेम होता है वहां भार नहीं होता। आज एक ओर से गंगा जी आ रही है, एक ओर से यमुना जी आ रही है, गौर वर्ण की गंगा जी, श्याम वर्ण की यमुना जी, भरत जी किनारे पर संगम के तीर पर खड़े हैं। देखत श्याम धवल ही लोरे, देखत श्याम धवल ही लोरे, फूल की शरीर भरत कर जोरे, फूल की शरीर भरत कर धवल हिलोरे। हाथ जोड़कर भरत जी प्रार्थना करते संगम से, हे गंगा जी, हे यमुना जी, आज मैं अपने धर्म को छोड़कर आपसे भीख मांग रहा हूं। क्योंकि क्षत्रिय भीख नहीं मांगता, क्षत्रिय देता है, क्षत्रिय मांगता नहीं। लेकिन आज मैं इतना दुखी हूं, आरत काहन करई कुकर्म। भूखा व्यक्ति अगर चोरी करके खा लेता है तो उसको अपराध नहीं माना जाता। बुभुक्षितम किम न करोति पापम, भूखा व्यक्ति को अधिकार है कि चुरा के खा सकता है। तो आज मुझे कोई अपने धर्म का ज्ञान नहीं, चूंकि मेरे जैसा दुखी दुनिया में कोई नहीं। मेरे पिताजी की मौत हो गई, मेरा नगर अनाथ हो गया, मेरे प्रभु मुझे छोड़कर वन को चले गए, इसलिए आज मुझे कोई ज्ञान विवेक मुझे कुछ भी ध्यान में नहीं आ रहा है। आज मैं धर्म छोड़कर भीख मांग रहा हूं, मांगो भीख त्याग निज धर्म। हे गंगा जी, हे यमुना जी, आप हमारे कुल की बिटिया हैं। गंगा जी भगवान के चरणों से पैदा होते हैं। बेटी से कोई बाप मांगता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता। यमुना जी सूर्य की पुत्री हैं, आप भी हमारी बिटिया हैं। चूंकि हम सूर्यवंशी हैं, बेटी को दिया जाता है, बेटी से मांगा नहीं जाता, लिया नहीं जाता। पर आज मैं मांग रहा हूं धर्म छोड़कर, मांगो भीख त्याग निज धर्म, मुझे मेरे प्रभु के चरणों का प्रेम प्रदान कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बहुत सुंदर निर्मल धारा में से वाणी प्रकट हुई अलौकिक, भरत जी जाइए, आप भगवान आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप घबराइए मत, आपको बहुत दुलार करेंगे। भरद्वाज ऋषि का आशीर्वाद लेकर यहाँ से श्री भरत जी आगे चले हैं। इंद्र ने थोड़े विघ्न पैदा किए, बृहस्पति ने इंद्र को फटकारा है। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाव, निज अपराध रिसायन काहू, लेकिन जो अपराध भगत कर रही, राम रोष पावक सो जरही।